one last cheer for everybody. Well, be all right, so I've taken you through the introduction of our artists. Next up, I want to tell you that Abhi sir has come up with this beautiful song, which has been composed by Yaksha Jagtap, has been produced by Aishwarya Tiwari, and written by Shekhar Astitwa, and obviously sung by Abhi sir. And the song is called Aankhe Band Kar. भाई दादा ये भाई ये एंड वी हैव मीडिया हियर फॉर द कवरेज एंड दे विल हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू बिफोर दैट आई वांट माय टीम टू स्क्रीन द सॉन्ग फॉर अस सो दैट वी कैन हियर इट एंड देन वी कैन आस्क अ फ्यू मोर क्वेश्चंस सो वीडियो टीम रेडी कॉन्सेप्ट वीडियो दैट एवरीबॉडी कैन हैंडल बट व्हाट अ गुड टेक अवे इज मैगी नूडल्स चॉकलेट वो हमने डालने की कोशिश की है एंड या एंड यू नो अ लिटिल बिट ऑफ चीटिंग इफ इट डजंट हार्म एनीबॉडी यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आई होप यू गाइस लाइक दिस अरे आप आ गए सर अभी कुछ अलग वेरी बैड वेरी बैड मतलब मुझे मजा ही नहीं आया काम करके इतने अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं ना तो मुझसे नहीं परफॉर्मेंस बहुत बुरा था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा रहा द टीम इज एक्सट्रीमली गुड एंड सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स आई मीन एंड ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर लाइक एवरीवन कैन लाइक वी ऑल गेस्ट मतलब शी इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि अभी भाई इतना कमाल का कैसे गा सकते हैं एक्चुअली इनके गले में ऑटो ट्यून ओके मैम केमिस्ट्री इज लुकिंग गुड पोस्टर तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जब शूट हो रहा था तभी केमिस्ट्री कैसा था और सर के साथ काम करने में कैसा लगा आपको See, so we have done the previous season together, and we are very good buddies. And this is how you know maybe the you know the chemistry can be seen on screen somehow. And also like we have that you know fun kind of a bond. So you know it actually you know turns out to be the best. You know whatsoever we you know scenes we do or takes we. एक दूसरे की रिदम समझना बहुत जरूरी हो जाता है खुद की एज अ परफॉर्मर दूसरे की भी आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी वो होता है एंड जब रिदम समझ आ जाती है तो यू नो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका ऐसा रिएक्शन आएगा और प्लस आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर्स नितिन एंड नितिन पीदे क्या ना कि कभी कभी हम लोग कभी कभी हमें कुछ सही लगता है लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा जो क्रिएटर होता है उनका होता है तो आई थिंक यू नो उनकी वजह से ये खूबसूरत बन पाया अभी सर फ्यू लाइंस अभी सर फ्यू लाइंस अभी सुना तू अभी नहीं प्रॉपर्ली करते हैं ना सर जब आपने ये रिकॉर्ड किया बहुत बहुत एक्सपीरियंस दैट टाइम मतलब जब आपने रिकॉर्ड किया था सॉन्ग ये गाना एक्चुअली एक साल पहले मेरे पास आ गया था हाँ जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर है यक्षज उन्होंने मुझे सुना दिया था गाना उन्होंने बताया कि इस टाइप का इसके लिरिक्स है और सब कुछ तो इसमें चेंजेस बहुत हुए एक्चुअली महेश भैया जो कि वी लाइव म्यूजिक के ओनर है उन्होंने बहुत सारे चेंजेस में हम 9 बजे रिकॉर्ड करने बैठे थे सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड कर रहे थे इस गाने को जब हम फाइनल डब पे थे तो बहुत सारे चेंजेस हुए तो ये चेंजेस आपके सामने हैं जिस तरीके का इमोशंस है जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखे गए हैं
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, यक्षगान में बहुत ही अच्छा गाना हुआ है। हाँ तो बेसिकली मैंने हाँ वो ये बहुत बहुत मतलब डर रही थी मुझे काटने से, मैं बोला था कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, यू नो तो तुम ऐसे समझो कि तुम एक यू नो अभी बोल नहीं सकते बट नहीं इन द सेंस दैट काटने आना चाहिए तुम्हें इंसान को, यू नो जैसे तुम ऐसा मान लो नहीं बट लाइक शी वाज रियली पेट्रिफाइड एंड यू हैव टू मेक इट लुक लाइक ऑथेंटिक, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फनी मोमेंट्स। आई हैड अ ब्लास्ट, वी हैड अ ब्लास्ट यू नो बच्चों के साथ खेल के, मतलब इतनी एनर्जी हमारी खत्म हो गई थी कि पैकअप हो जाए इसके बाद यार, दिस चिल्ड्रन हैव दिस एनर्जी व्हिच नेवर डाइज डाउन एंड या सो व्हाटएवर यू आर सीइंग लाइक यू नो द मोमेंट्स दैट वी आर लाइक प्लेइंग विद दैट इट्स एक्चुअली व्हाट वी वर प्लेइंग, सो दे शॉट अ लॉट and they chose the best sequence. Okay, we have seen the fun side over here. Okay, but in the video we have seen a sad side, especially that hand movement. What about that? Look, it's difficult to work with scene karne mein. Hand movement test. Oh, हाथ छूटने का. तो मैंने धर्मा की फिल्म देखी थी. सिनेमैटिक लिबर्टी हम कहते हैं ये मेकर्स को पसंद आता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की, आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड टू माय कैरेक्टर, जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, सो आई कनेक्टेड टू द म्यूजिक, यू नो म्यूजिक प्लेज अ बिग पार्ट टू गेट माय इमोशंस आउट, यू नो तो उस टाइम पे हमने मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई हैव द सॉन्ग, इस सॉन्ग का एक पोर्शन है जो मैं अभी भाई को भी अभी ग्रीन रूम में कह रहा था कि जब वो रोते हैं गाने में तो वो वाला अगर पोर्शन प्ले करेंगे तो मे बी मेरा इमोशन ज्यादा ऑथेंटिक आएगा, और हाँ फिर वैसा था तो गाना प्ले करके एक इमोशन आ जाता है, फिर एक और गाना है बीच में वो गाना हमें मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने एक मेरा फेवरेट गाना जो हमने शौर्य अनोखी में भी यूज किया था जो बेची थी दुआ, तो फिर वो भी प्ले किया, फिर उसके बाद भी टेक अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला कि इससे बाद में होने नहीं वाला, आप मैनेज कर लेना। करणवीर और देवात्मा कंग्रेचुलेशंस फॉर दी सॉन्ग, एंड जिस तरह से पहला म्यूजिक वीडियो हिट रहा है, मिलियन हिट रहा है, फैन फॉलोइंग काफी पॉपुलैरिटी है, फैंस चाहते हैं आप दोनों को साथ में देखे, तो जब आप साथ में कोई इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई नर्वसनेस होती है, किस तरह की फीलिंग होती है व्हेन फैंस का रिस्पॉन्स जब हर बार इस तरह से आता है तो उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाती है, तो उसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? We have always been very grateful and thankful to all our fans because it's because of them ki, you know, at least you know we are here together and you know we are having a conversation with you guys and really thankful to all of them and rahi baat hamari bonding ki aur experience it's always you know if you ask me personally it's always fun to work with Karanveer and like we have done the previous projects together. सो अगर हैक्टिक भी होता है कहीं ना कहीं यू नो व्हेन यू हैव फन आल्सो व्हाइल यू वर्क सो यू नो लगता ही नहीं है कि यू डूइंग यू नो इट्स इट इट बिकम इट बिकम्स इजी फॉर यू राइट सो या दैट्स दैट एंड या सो व्होएवर वांट्स टू वर्क विद मी ओवर हियर इट्स अ लॉट ऑफ फन यू नो आई क्रिएट अ लॉट ऑफ फन फॉर एवरीबॉडी तो दैट्स ऑन यू नो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं होती हैं जितना आप लोग पूछते हैं उतना हम सोचते भी नहीं बिकॉज जब हमें बुलाया जाता है तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं हमारा एक बॉडी ऑफ वर्क देखा होता है और शायद हम उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं और थोड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं शायद तो आई थिंक इट जस्ट हैपेंस यू नो एंड हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है जो मैंने महेश भाई से भी हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग हमने कहा था कि बिकॉज वी ऑलरेडी कम अप विद अ सॉन्ग इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ मतलब कुछ और होना चाहिए यू नो तो वी ऑल वर्क्ड कलेक्टिवली और एक अच्छी कहानी बताने की कोशिश की आई नो इट्स अ वेरी इट्स इट्स नॉट वन ऑफ योर टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग्स एक ऐसा गाना है
जब आप ये पूरा गाना देखेंगे हाफवे थ्रू यू विल रियलाइज के ये गाना भूल नहीं पाएंगे यू नो व्हेनेवर यू हियर दिस सॉन्ग यू विल हैव दैट इमेज इन योर माइंड तो दैट्स द काइंड ऑफ इंपैक्ट इट हैड ऑन मी आई एम प्रीटी श्योर इट हैड ऑन द ऑडियंस एज़ वेल तेरे वास्ते ही जिए सुबह शाम सजदे किए मैं कैसे बताऊं तुझे तू सब कुछ है मेरे लिए तू अगर संग है तो लगे सब सही तेरी मर्जी मुझे ले चल दूर दुनिया से कहीं आंखें बंद करके साथ तेरे मैं कहीं भी चल दूंगा हम जो भी आए उनको खुशी से पलकों में रख लूंगा या तो ये बताइए कि अगर ये रैप गाना होता तो कैसे गाते उसे Can we have a loud cheer, guys? Come on.